दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, थप्पड़ों से पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या की गई है। मामूली कहासुनी को लेकर के विवाद हुआ, युवक ने बुजुर्ग को जमकर पीटा, परिजनों ने दबंग पर आरोप भी लगाया है। रौब जमाने को लेकर के कई बार विवाद हुआ, परिजन से कई बार लगातार विवाद देखने को मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो रौब जमाने को लेकर के कई बार परिवार वालों से विवाद भी होता रहा और परिजनों ने दबंग पर आरोप लगाए हैं। युवक ने बुजुर्ग को जमकर पीटा है, मामूली कहासुनी को लेकर के ये विवाद हो गया। दिल्ली से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर थप्पड़ों से पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी को लेकर के ये विवाद हुआ और युवक ने बुजुर्ग को जमकर पीटा, परिजनों ने दबंग पर आरोप भी लगाया है। रौब जमाने को लेकर के कई बार परिजन में और विवाद ये देखने को मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो दिल्ली से ये जानकारी, जहां पर एक युवक ने बुजुर्ग को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, मामूली कहासुनी को लेकर के ये विवाद हुआ था, उसके बाद से इस युवक ने बुजुर्ग को जमकर पीटा और परिजनों ने दबंग पर आरोप भी लगाया है। इससे पहले भी कई बार विवाद देखने को मिला। मामला ये जी एक राठी है, आई ब्लॉक जे ब्लॉक के मार्केट, डीडी मार्केट के अंदर डॉक्टर है वो राठी। वो काफी दिन से हमें कम से कम आज से 10 साल से परेशान कर रखा है। कभी गाली गलौज करता है, कभी कुछ बोलता है, कभी रेडी फेंक दूंगा तेरी रेडी बंद करवा दूंगा, ये ऐसा सब बोलता रहता है। तो आज उसने पता नहीं इसको दिवाली पर भी मेरे जिया जी को गाली गलौज करके गया था, गिरो ठिया लगाया था अपना, तो उनको भी बोल गया था। तो आज उनके उसके लड़के ने वो पापा ने रेडी लगा रखी थी, आया गाड़ी रोकी, कह रहा रेडी पीछे कर, गाय वाई देने लग गया मेरे पापा को। गाय देने के बाद फिर मेरे पापा ने गाली दी है, फिर वो छूटते मेरे पापा गले में पकड़ी और कम से कम 5-6 थप्पड़ धर दिए और धरने पर मेरे पापा अंदर सर खत्म। पुलिस के क्या कार्रवाई रहा? पुलिस की अभी कार्रवाई चली रही है, अभी तो कुछ हमें कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। मुझे कुछ भी नहीं पता चला था, मेरे को बाद में पता चला जब पापा जगजीवन में आ गए थे। बस ये मुझे पता है कि पापा को थप्पड़ मारा उसने और फिर पापा बेहोश हो गए थे वहीं के वहीं। 5-6 थप्पड़ मारे थे उसने खींच खींच के। किस बंदे ने मारा, नाम क्या है? चीनू नाम है उसका, राठी का लड़का। क्या पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? वो हमेशा करता रहता है लड़ाई झगड़ा, पापा को उल्टी सीधे बोलते रहता है, गाली गलौज करता रहता है, कहता रेडी हटा यहाँ से, रेडी भी लगाता है यहाँ पर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए एक युवक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर देता है, क्या कुछ ही पूरा मामला रहा, विस्तार से बताएं। बता दें कि जो बुजुर्ग है रेडी लगाते हैं मार्केट के अंदर और उसको लेकर कई महीना का कई सालों से भी आए दिन उनसे कोई बात को लेकर कहा सुनी होता था, बाकी आज युवक आता है बुजुर्ग के पास बात करने के लिए, उसके बाद कोई बात को छोटा सा कहा सुनी होता है, उसके बाद थप्पड़ मारते और मारने के दौरान ही गिर जाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। परिवार के सीधा कहना है कि पहले से कई बार उनके कहा सुनी हुई और वो अपना रोग दिखाने की वजह से मार्केट के जो है उस तरीके से पुलिस प्रशासन का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करा। बाकी पुलिस प्रशासन वहीं पे बताया जा रहा है कि बंदे को हिरासत में ले लिया गया। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस तरह से आए दिन गुंडागर्दी चलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन सही तरीके से रवायत नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पहले भी इनका कहना है कि मैं कंप्लेन करा, बाकी पुलिस प्रशासन इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। जी संजय, किस बात को लेकर के विवाद हुआ? परिजन कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार विवाद देखने को मिला था। बात यह है कि उनके फादर जो है रेडी लगाते हैं दूध और जलेबी की, उसकी वजह से वो आते जाते हैं उस ठिया के चक्कर में कि वो ठिया मेरे को मिल जाए, इसलिए उसको टॉर्चर किया जाता है कोर्ट के, ये हटा दे वो ठिया हम लगाएंगे। और ठिए के चक्कर में ऐसा होते होते आज कल की रात में इस तरह से घटना घटी और पुलिस प्रशासन जो तरीके से बताया जा रहा है, पुलिस के कहना है कि अभी हिरासत में ले लिया गया। बाकी दिखने वाली बात है इस तरीके से पहले से चल रहा, पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट भी दिया गया, बाकी इस पर पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं किया। जी संजय, देखिए ऐसे मामलों पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इन मंचलों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।